हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सलीमा। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है। तो दोस्तों, इसको समझेंगे हम एक स्टेटमेंट और एक एग्जांपल के जरिए, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ अगर एग्जांपल नहीं समझेंगे तो ये स्टेटमेंट भी कभी समझ में नहीं आएगी, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, एग्जाम्पल को डिस्कस करना लाजमी है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो तीन एटम है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तीन एटम है और तीन डिफरेंट एलिमेंट के हैं। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है कार्बन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। उन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। तो कार्बन का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो 12 यहाँ पर देखें आप, कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है कार्बन का। कार्बन का एक कार्बन है तो यहाँ पर इसलिए 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 इसलिए लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 और 4 हाइड्रोजन की वजह से इसका एटॉमिक मास क्या है यहाँ पे 4। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन का 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 और 2 हाइड्रोजन की वजह से एटॉमिक मास इसका आ गया यहाँ पे 2। और O क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास आ गया। यहाँ पर एक कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, तो 12 आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या था 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो देखिए यहाँ पे 32 आ गया। सो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि ये जो 3:1 है ये कैसे आ गया। ये जो 12 और 4 लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, ये रेशो की फॉर्म में, तो रेशो को हम ऐसे लिख देते हैं 12/4। तो 12 को यहाँ पे 4 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 × 3 हो जाएगा 12। और दोस्तों यहाँ पर ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया 12/32। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 3 हो जाएगा 12, 4 × 8 हो जाएगा 32। तो ये ऐसे कैंसिल आउट हुआ और 3 और 3:8 का रेशो आ गया, 3:8 का रेशो आ गया। यहाँ पर भी यही है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/16। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 1 2 और 2 × 8 2 × 8 क्या होगा 16। तो दोस्तों ये जो 12:4 से 3:1 आया, तो हमने इसको क्या करना है, इसको फोकस करना है, 3:1 को फोकस करना है। और ये 12:32 से ये तो 3:8 आया, इसको फोकस करना है। और 2:16 से जो 1:8 आया है इसको हमने फोकस करना है। इन तीनों बॉक्सेस को हमने क्या करना है, फोकस करना है। दोस्तों आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि सी वाली जो लाइन है उसमें क्या आ रहा है 3, यहाँ पर जो सी वाली लाइन है उसमें क्या आ रहा है 3, यहाँ पर जो एच वाली लाइन है एच का रेशो क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर जो ओ का रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है 8, ओ का रेशो क्या आ रहा है 8, हाइट एच जो है एच का रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, एच का रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। ये चीज़ बस आपको दिमाग में रखनी है। ये क्या कह रहा है हमसे कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। ये क्या कह रहा है कि जब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन है ऑक्सीजन है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट से। कौन सा थर्ड एलिमेंट, हाइड्रोजन। जो थर्ड एलिमेंट है, जो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं उसका मास क्या है, फिक्स है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, ये कार्बन सेपरेटली कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन से तो क्या बना रहा है CH4, ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन से तो क्या बना रहा है H2O, सही, सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, सेपरेटली कंबाइन होंगे विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। ये जो H है इसका मास क्या है, फिक्स है। कैसे मास फिक्स है, आप देख रहे हैं कि एच का मास क्या है 1 है और यहाँ पर भी H का आ रहा है, मास क्या आ रहा है रेशो में 1 आ रहा है, तो इसका मास हमेशा क्या है, हर जगह फिक्स है। द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर, जो प्रोपोर्शन में ये जो कंबाइन हो रहे हैं इसमें हाइड्रोजन का क्या प्रोपोर्शन है, हमेशा हाइड्रोजन का मास क्या फिक्स है। यहाँ पर भी अभी इन दोनों को फोकस करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मास क्या है 1 है और यहाँ पर भी मास 1 है, जब ये सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास, इसका मास क्या है, फिक्स है, मास फिक्स है और इसके साथ क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, शेल बी ईदर इन द सिंपल रेशो और सम मल्टीपल ऑफ इट। ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं इनका क्या होगा, इन द सिंपल रेशो और सम मल्टीपल ऑफ इट, ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये 3:8 आया,
तो आप गौर करें कि कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 8 था तो यहाँ पर भी 8 था। तो ये चीज़ आपने देखनी थी, गौर करनी थी कि हाइड्रोजन वाली जो लाइन है वो हमेशा 1 है और हाइड्रोजन वाली लाइन 1 है, कार्बन वाली लाइन 3 है, यहाँ पे कार्बन वाली लाइन 3 है, ऑक्सीजन वाली लाइन 8 है, ऑक्सीजन वाली लाइन 8 है। जब ये दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड होंगे, सेपरेटली कंबाइंड हुआ थर्ड एलिमेंट से जिसका मास क्या फिक्स है, दोनों में मास फिक्स है, आप देख लें सेपरेटली कंबाइंड हुए, यहाँ पर भी ये सेपरेट कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, मगर दोनों में यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है 1 है। तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो वही रेशो बनाएंगे जो इसके साथ रेशो कार्बन बना रहा था। ये देखेंगे ये रेशो इसके साथ क्या बना रहा है, 3 बना रहा है। तो ये जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इसका रेशो यही बनेगा, 3 बनेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अपना रेशो क्या बना रहा था हाइड्रोजन के साथ, 8। तो जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन अपना रेशो क्या बनाएगा, हमेशा 8। सो दोस्तों ये था हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।